झारखंड कांग्रेस के तीन विधायक जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कोलबीरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप, तीनों ही विधायक पार्टी से फिलहाल निलंबित है। आप सभी को जानकारी होगी कि कैश कांड मामले के बाद तीनों विधायकों को पार्टी की ओर से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन तीनों विधायक सिर्फ एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, हम लोग ने सरकार को गिराने का साजिश नहीं किया है। जिसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय से उन्हें बड़ी राहत भी मिली थी, तीनों विधायक काफी खुश भी थे और उसके बाद तीनों विधायकों की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि अब हम लोग दिल्ली दरबार जाएंगे और वहां पर गुहार लगाएंगे निलंबन वापसी को लेकर। और उसी प्रकार राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल से तीनों विधायकों ने मुलाकात की, अपनी बातों को उन तक पहुंचाने की कोशिश की और उनसे ये भी पूछा कि आखिर निलंबन वापसी को लेकर निर्णय पार्टी कब लेगी। उन्होंने तीनों विधायकों को आश्वस्त किया और आदेश भी दिया कि आप लोग क्षेत्र जाए, क्षेत्र के लोगों की परेशानी सुने और जितने भी कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं उसमें शरीक भी हो। तीनों विधायक जब झारखंड वापस लौटे, क्षेत्र का तमाम कार्य से वो जुड़े, लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे 12 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे जय भारत सत्याग्रह यात्रा को लेकर। और इस बीच तीनों विधायक अविनाश पांडे से मुलाकात की, अपनी समस्याओं से अवगत कराए और निलंबन वापसी को लेकर उनसे वार्ता भी की है। पहले आप सुनिए कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने क्या कुछ कहा है अविनाश पांडे से मुलाकात करने के बाद। और आत्मा, शरीर में आत्मा है और आत्मा में विचार है। हम लोगों का विचार, हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमारी विचारधारा कांग्रेस है। अगर हमारा विचार कांग्रेस है तो हमारा आत्मा कांग्रेस है। तो हम शरीर से अगर आत्मा को अलग कर दीजिएगा तो तकलीफ होता है। नमन विक्सल कुंगाड़ी जी चूँकि एक धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन पे आप अगर एलिगेशन लगाइएगा तो सफाई देने से ज़्यादा वो अपने भावुक हो जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त किया है। निश्चित तौर से प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हम लोग भी चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश संघर्ष करने के ये में है, हमारा रांची जिला भी संघर्ष करने के प्रक्रिया है। हम अपील ज़रूर करना चाहेंगे कि जितना जल्दी अगर आप हमें काम तो हम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको चूंकि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम लोग भी चाहते हैं कि मुक्त हुए वो जो बंधन लगा हुआ है, उस बंधन को हम लोग भी तोड़े। और कांग्रेस पार्टी हमारी आत्मा है, शरीर से अगर आत्मा को निकाल दीजिएगा तो शरीर का कोई मतलब नहीं होता। वो बंधन कहीं ना कहीं टूट चुका था जब आप लोग केसी वेणुगोपाल से मिले थे। उनका कहना था कि आप लोग अपने क्षेत्र का कार्य कीजिए, जो कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस की ओर से उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया था आप लोगों को कि सब कुछ बढ़िया होगा, आप लोग बस धैर्य रखें। देखिए, वेणुगोपाल जी ने निश्चित तौर से आदेश दिया था, हम लोगों को निर्देश दिया था कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। आज जिस प्रकार से बाहर आप, जिस प्रकार से आवाम को यहाँ पे देखा है, खिजरी विधानसभा की जनता को आपने जिस प्रकार से यहाँ पे देखा है, निश्चित तौर से। लेकिन हमारा मार्ग है यहाँ का अनुशासन समिति है, मार्ग है हमारा, यहाँ पे हमारे जो आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, उस मार्ग के माध्यम से फिर केसी वेणुगोपाल जी के, फिर आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ तक रास्ता जाएगा।